जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है BSF, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर BSF के ऊपर आप कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, एक वीडियो BSF के ऊपर ज़रूर बनाइए। जी हाँ, मैंने कई दिनों से BSF के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि BSF में जो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, फॉर्म वगैरह आप लोग के अप्लाई हो चुके हैं, अब जो आप लोग का प्रोसेस होने वाला है वो है आप लोग का फिजिकल। तो फिजिकल की भी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप लोग के फिजिकल की डेट, फिजिकल और ट्रेड टेस्ट। जी हाँ, फिजिकल और ट्रेड टेस्ट आप लोग का दोनों एक साथ होने वाला है, बिल्कुल इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्वेश्चन आते हैं क्या सर ट्रेड टेस्ट भी साथ में होगा। जी हाँ, BSF में जो आप लोग के अभी फिजिकल होंगे, इसमें फिजिकल भी होगा और ट्रेड टेस्ट भी आप लोग का साथ में ही होने वाला है। तो तैयारी आप लोग दोनों ही चीज़ों की कीजिए, रनिंग की भी कीजिए, हाइट वेट चेस्ट वगैरह, और इसके अलावा आप लोग का जो है ट्रेड टेस्ट की भी आप लोग जानकारी लेते रहिए, ठीक है। सभी चीज़ों की आप लोग को तैयारी करनी है। तो वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि आप लोग की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल की डेट, फिजिकल की डेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, और मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले मैं आप लोग को बिल्कुल खुशखबरी सुनाऊं, एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूं। तो आज का जो मेरा वीडियो है BSF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की जो आप लोग की 2700 प्लस वैकेंसी थी, इसके फिजिकल ट्रेड टेस्ट के एग्ज़ाम के डेट को लेकर के ही है। काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आने लगे, इस बीच कई बच्चों के ऐसे मैसेज आने लगे कि सर क्या मई में फिजिकल होने वाले हैं, सर मई में फिजिकल हो रहे हैं, आप डेट निकाल के देखिए मई में ही फिजिकल होंगे क्या। तो कुछ बच्चों के कहे अनुसार जो है मैंने इसकी जानकारी निकाली, तो क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग की निकल के आ रही है BSF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के फिजिकल और ट्रेड टेस्ट की डेट की, पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि मैंने आप लोग को बता दिया यहां पे फिजिकल और ट्रेड टेस्ट आप लोग का साथ में होने वाला है, ठीक है। तो फिजिकल पे आप लोग पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि रनिंग जो है आप लोग की 5 किलोमीटर की है। यदि आप लोग पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप लोग को जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। यदि एकदम फिजिकल की डेट आप लोग की नज़दीक आ जाती है तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी 5 किलोमीटर की रनिंग करने में। 24 मिनट का टाइम आप लोग को मिलने वाला है। जी, अब मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर 24 मिनट और फीमेल कैंडिडेट 1600 मीटर आप लोग की जो है यहाँ पे मिनट का टाइम आप लोग को मिलने वाला है। तो रनिंग करते रहिए, 5 किलोमीटर की रनिंग है, किसी भी प्रकार से आप लोग रनिंग में ढील ना दें, ठीक है। फिजिकल की आप लोग तैयारी करते रहिए, डेट वगैरह की जानकारी के लिए मैं आप लोग के लिए बैठा हूँ। जैसे ही कन्फर्म जानकारी मिलेगी मैं आप लोग को जानकारी दूंगा और जानकारी देने वाला हूँ अपने इस वीडियो में, ठीक है। रनिंग हो गई, रनिंग के साथ साथ आप लोग हाइट वेट चेस्ट पे भी आप लोग अपना पूरा फोकस रखिए। हाइट यहाँ पे थोड़ी सी कम ली जाती है जनरल कैंडिडेट वालों की, जनरल OBC SC की जो हाइट यहाँ पे कुछ कम ली जाती है 167.5 काफ़ी अच्छी है, और मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट की जो है 157 यहाँ पे ली जाती है। चेस्ट मेल कैंडिडेट यहाँ पे जो है 78.5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है BSF का फिजिकल। इसके अलावा यदि आप लोग SC कैटेगरी से हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर आप लोग की यहाँ पे हाइट रहती है, और चेस्ट मेल कैंडिडेट 76.5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यदि गढ़वाली कुमाऊं डोगरा मराठा और जो अदर स्टेट्स वगैरह उनसे आप लोग आते हैं तो आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट मेल कैंडिडेट यहाँ पे जो है 78.5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाता है। तो ये आप लोग का पूरा प्रोसेस है, मैंने आप लोग एक बार और आप लोग को क्लियर कर दिया है। वीडियो एक बार देखिए, दो बार देखिए, या फिर प्रॉपर आप लोग जो है इसका वीडियो देख सकते हैं फिजिकल का जो मैंने बनाया हुआ, उसमें पूरी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी, या फिर आप लोग जाइए भर्ती देखो पे, वहाँ पे आप लोग को BSF की पूरी डिटेल मिल जाएगी, फिजिकल से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या रनिंग वगैरह है, पूरी A to Z जानकारी मिल जाएगी, कहीं आप लोग को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोग का फिजिकल हो गया, फिजिकल के साथ साथ मैंने हाइट वेट चेस्ट आप लोग को क्लियर कर दिया, ठीक है, रनिंग का भी क्लियर कर दिया, और इसके अलावा आप लोग का साथ में होने वाला है ट्रेड टेस्ट। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट आप लोग का फिजिकल के दिन ही होता है, किसी भी कंफ्यूजन में आप लोग ना रहें, ट्रेड टेस्ट आप लोग का साथ में होगा।
तो जितना समय आप लोग को मिल रहा है मैं कहूंगा कि उसका पूरा पूरा बेनिफिट आप लोग उठाइए। जी हाँ, जितना भी समय मिल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, इसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाइए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने रनिंग क्लियर कर ली, आप लोग का सिलेक्शन हो गया, ट्रेड टेस्ट भी आप लोगों को क्वालिफाई करना होगा। तो पूरा फोकस रखिए, आप लोग रनिंग रनिंग के साथ साथ ट्रेड टेस्ट पर फोकस रखिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आप लोग का ये रहने वाला है। इस चीज को आप लोग क्लियर करने के बाद ट्रेड टेस्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द बीएसएफ वालों के लिए जो है एक सीरीज से वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी प्रकार की आप लोग टेंशन ना ले कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो आप लोग को मिलेंगे, समय पे मिलेंगे, सही समय पे मिलेंगे, टेंशन ना लें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं आप लोग को पूरी जानकारी प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप लोग का फिजिकल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फिजिकल और ट्रेड टेस्ट, उसके बाद ही आप लोग का यहाँ पे बारी आने वाली है रिटन एग्जाम की। जी हाँ, रिटन एग्जाम की बारी आएगी। तो रिटन एग्जाम का प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा होता है, इसमें आप लोग के 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के और 2 घंटे का टाइम होता है। जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश में से एक चीज़ और मैथ आप लोग की आती है। 25-25-25 क्वेश्चन, 25-25-25 नंबर के होते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। OMR बेस एग्जाम होता है, यानी कि कॉपी पेंसिल पर आप लोग का जो OMR सर्किल वगैरह करते हैं, ठीक है, उस पर आप लोग का एग्जाम होता है। ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम नहीं होता, ऑफलाइन आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल दी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में और भी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद ही आप लोग का होता है मेडिकल। जी हाँ, मेडिकल का भी प्रोसेस है। मेडिकल में आप लोग का DME RME यहाँ पे होता है, ठीक है। यदि आप लोग मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो रिव्यू के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, रिव्यू आप लोग का होता है मेडिकल वगैरह, तो उसमें ज़्यादा समय आप लोग को नहीं मिलने वाला है। इसकी जानकारी भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। मेडिकल में किसी भी प्रकार की आप लोग को प्रॉब्लम है, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम है, आप लोग को लगता है कि ये मेरे में प्रॉब्लम है, ठीक है, इसे मुझे क्योर करना है, तो आप लोग क्योर करते हुए चलिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि लास्ट समय पे आज जा करके आप लोग जो है उसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। यदि आप लोग को पूरा फोकस है, पूरी जानकारी है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसे ठीक करते हुए चलिए। क्योंकि यदि आप लोगों ने किसी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया है तो मेरा आप लोगों से ये कहना है, यदि आप लोगों ने किसी चीज़ के लिए कदम उठाया है तो उसे आप लोग पूरा कीजिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ टाइम पास आप लोग करें, फॉर्म भर दिया, चलिए ठीक है हो गया, फिजिकल नहीं हुआ कोई बात नहीं, गोली मारो, दूसरी फिजिकल होगी, दूसरी रिक्रूटमेंट आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिक्रूटमेंट ही काफ़ी है आप लोग के सिलेक्शन के लिए, मैं आप लोग को बता दूं। जी हाँ, एक रिक्रूटमेंट ही काफ़ी है, और ये तो BSF की इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट है आप लोग की, 2700 प्लस वैकेंसी है, तो इसे तो आप लोग को क्लियर करना ही करना है। जैसा मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ उस तरीके से आप लोग चलिए, सभी चीज़ों पर आप लोग फोकस रखिए। अब बात ये आती है कि सर फिजिकल की डेट, जी हाँ फिजिकल की डेट, इन सब चीज़ों पर आप लोग गौर करेंगे। फिजिकल की डेट की जानकारी देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मई में क्या फिजिकल होने वाले हैं, सर बताइए कुछ ऐसा चल रहा है क्योंकि मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। तो देखिए मैंने आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन निकाली है और जो जानकारी मुझे प्रोवाइड हो रही है मैं आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। अभी आप लोग के जो है यहाँ पे मैसेज के ही प्रोसेस चल रहे हैं, और मैं आप लोग को बता दूँ अभी 50% ही मैसेज जो आप लोग का, जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है उसकी स्क्रीनिंग हुई है। स्क्रीनिंग का मतलब आप लोग समझते हैं, छटाई हुई है, यानी कि जो फॉर्म आप लोगों ने भरा है उसमें कुछ कमी है, आप लोगों ने एज गलत लिख दी है, आप लोगों ने गलत सेंटर भर दिया है, कास्ट कुछ सेलेक्ट करनी थी कुछ और सेलेक्ट कर लिया है, एक्सपीरियंस के साथ साथ सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली है, बहुत सी कई तरह की मिस्टेक्स आप लोगों ने करी है, ठीक है, सीट है नहीं वहाँ के लिए अप्लाई कर दिया, तो इसे ही स्क्रीनिंग बोलते हैं, यानी कि छटाई हो रही है। जहाँ आप लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है वहाँ से आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, आप लोग को एक मैसेज आ रहा है, मैसेज चाहे मोबाइल पे आ रहा हो या फिर आप लोग का मेल पे आ रहा हो, ठीक है, रिजेक्ट होने का मैसेज आ रहा है, और यदि आप लोग ने फॉर्म ठीक भरा है तो एक्सेप्ट होने का मैसेज आ रहा है। तो अभी तो ये प्रोसेस आप लोग का चल रहा है, 50% हुआ है, 50% अभी बाकी है, बहुत से बच्चों के भी मैसेज नहीं आया जो कि जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये मान के चलिए कि अभी तो पूरा अप्रैल आप लोग का मैसेज ही यहाँ पे आने वाले हैं। और इसके अलावा आप लोग बोल रहे हैं मई में सर एग्जाम, तो देखिए मई में कोई एग्जाम नहीं है, ऐसी जानकारी मुझे मिली, मई में कोई एग्जाम की आप लोग की इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिल रही है। तो मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए इसीलिए बनाया, मई में ऐसा कोई फिजिकल की डेट यहाँ पे नहीं, कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है, ठीक है, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है आप लोग के मई में फिजिकल की। तो कुल मिला के अभी कोई डेट आप लोग की फिक्स नहीं है ऐसा कि मई में आप लोग के यहाँ पे फिजिकल होने वाले हैं, ठीक है, कोई डेट फिक्स नहीं है। आगे आने वाले समय में कोई जानकारी मुझे मिलती है, कोई डेट फिक्स होती है, कोई समय मिलता है तो मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में आप लोग ना रहें, तैयारी करें। जी हाँ, तैयारी आप लोग करते रहिए, जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी कन्फर्म डेट की मैं आप लोग को बताऊँगा।
तो अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है आप लोग की कंफर्म डेट की। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जान पर लिखूंगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।